द्वापर के उस योद्धा को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आज तक उसके सबूत उसके प्रमाण मिलते हैं। महाभारत के अश्वत्थामा शायद आपको याद होंगे। अवश्य आपने महाभारत की कथा में अश्वत्थामा का प्रताप और बल देखा होगा, जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। अश्वत्थामा को उनकी एक चूक बड़ी भारी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के श्राप से उन्हें युगो युगो तक भटकने का दंड प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया कि आप युगो युगो तक भटकेंगे। एक उन्होंने बड़ी भारी गलती कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि यहाँ शिव मंदिर है और उसमें अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार अश्वत्थामा से जुड़ी हुई और भी अनेक कहानियां सुनने को मिलती हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। यानी वह ऐसा कुछ देख लेता है अश्वत्थामा के साथ कि जो वो है कल्पना नहीं कर सकता, और उसका जो है ब्रेन, उसका जो मस्तिष्क है, वह संतुलन में नहीं रहता है। कहते हैं कि जब भी अश्वत्थामा भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो उससे पहले स्नान अवश्य करते हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख प्राप्त होता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते हुए रक्त को, खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हुए देखे गए। तो ऐसा योद्धा जो 5000 वर्ष पूर्व से आज तक भटक रहा है, तो इसका मतलब हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है पूर्व जन्म की कथा और आत्मा का पुनर्जन्म, ये वास्तव में सत्य है। क्योंकि जो चीजें इतनी पुरानी हैं और आज तक उनको हम देख सकते, अनुभव कर सकते हैं और लोगों के अनुभव में आ रही है, तभी लोग बता रहे हैं। तो हमारी सनातन जो संस्कृति है बहुत अद्भुत है और इस पर हमें विचार और मंथन अवश्य करना चाहिए। और भी रहस्यों से भरी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे, श्री कृष्ण।